रंगस्थापनास्तम्भयष्टिः सकरुणरसवृष्टिस्तत्त्वमाला समष्टिः सकलसमयसृष्टिस्सच्चिदानन्ददृष्टिः निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित सुधी श्रोताजन, आदरणीय मातृशक्ति, भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण से उपदेश प्राप्त कर सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि की रचना शुरू कहाँ से होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण। सृष्टि की रचना का आरंभ जो समझता रहेगा वो सृष्टि को भी समझ सकता है। तो सृष्टि की रचना कहाँ से शुरू की भगवान ने? लिखा गया है, ससर जागरेन्द्रतामिश्रम अथतामिश्रमाधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। पांच चीजों को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रचा। पूरी सृष्टि बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाए? तो उन्होंने पांच चीजें पहले बनाई। अंततामिश्र, तामिश्र, महामोह, मोह और तम। ये जो तम है इसी का मतलब है अविद्या, अज्ञान भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश, ये बनाए। तो इनमें सबसे पहले अविद्या का निर्माण किया। अविद्या क्या है और सबसे पहले उसको बनाने की जरूरत क्या? तो आप समझ लीजिए, अविद्या क्या है? अविद्या ही अहंकार का हेतु है, वो अज्ञान जिसके कारण हमारे अंदर अहमपना, मैंपना आता है। तो सबसे पहले वो सजग मिथ्या ज्ञान, जो वस्तु है ही नहीं, वो वस्तु सर्जी गई। माने विद्या से विरुद्ध जो ज्ञान है, ये कहें या तो अयथार्थ बुद्धि कहें, या तो सीधे सीधे सरल शब्दों में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने भ्रम पैदा किए। संसार का निर्माण करने के लिए जब प्रवृत्त हुए तो सबसे पहले क्या किया? भ्रम पैदा किया। भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? भ्रम इसलिए सबसे पहले उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि सृष्टि करनी है। और सृष्टि करनी क्या है? कुछ करना ही नहीं। सच बात यह है कि कुछ करना नहीं है, लेकिन दिखाना बहुत कुछ है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कभी कभी कुछ करना नहीं रहता है लेकिन दिखाना पड़ता है कि हम कर रहे हैं। तो ये जो सृष्टि है, इसीलिए कहते हैं ना कि ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आप लोगों ने सुना होगा भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा इस पंक्ति को बहुत महत्व दिया गया, इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि ये शंकराचार्य जी का ही कथन है।
जबकि ये शंकराचार्य जी का कथन नहीं है, ये उपनिषद का वाक्य है। इस उपनिषद के वाक्य को भगवान शंकराचार्य जी ने बार बार दोहराया, लोगों को ध्यान में आ जाए बात, इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मी बना पर श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम कोटि ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मी बना पर। आधे श्लोक में वो बात बता देता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कही गई है, और वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ये संसार मिथ्या है, और दूसरे तरह से कहें तो जीवो ब्रह्म ही बना पर। जो जीव है वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है घुमा फिरा के तरह तरह से, उसी बात को मैं आधे श्लोक में तुमको बता देता हूं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे कक्षा में अध्यापक खड़ा होता है तो वो जो सिद्धांत है उसको बच्चों के सामने बोल देता है कि भाई ये बात है, तो फिर देखता है कि किसी की कुछ हलचल नहीं हो रही, तो कहता है नहीं समझे क्या? तो लड़के कहते हैं जी नहीं समझे, तो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो दूसरा उदाहरण दे करके समझा करके उसी बात को बताता है, तो जब समझा के बताता है तो कक्षा में उपस्थित कुछ लड़के कहते हैं हाँ हाँ हम समझ गए, लेकिन अभी बाकी नहीं समझे। तो बाकियों को समझाने के लिए फिर एक दूसरा उदाहरण लेकर के और सरल करके तौर तरीके से वो समझाने की कोशिश करता है, फिर कहते हैं कुछ कि हम समझ गए लेकिन अभी भी कुछ बाकी, तो फिर उनके लिए फिर ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना करके या लिख करके समझाने का प्रयास करता है, तब कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ तो अंतिम तक परीक्षा पास होने तक नहीं समझते, वो तो बस पढ़ते चले जा रहे हैं। और जब से प्रोन्नति का कानून आ गया कि अगली कक्षा में अग्रसारित आठवीं तक कर दिया जाएगा, तब तक आठवीं कक्षा तक तो बच्चे को कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए उसको ना तो कुछ पढ़ना है, ना तो लिखना है, ना तो समझना है, क्योंकि आठवीं कक्षा तक वो पहुंच ही जाएगा। अब आप ये बताइए कि अगर बिना पढ़े आठवीं कक्षा तक बच्चा अग्रसारित हो जाएगा तो आठवीं कक्षा के बाद क्या पढ़ पाएगा? आप आठवीं के बाद तो उसको अग्रसारित करोगे नहीं, और आठवीं तक उसने कुछ पढ़ा नहीं, अब उसको का खा गा चा ठीक से पढ़ना ही नहीं आता है। अब आगे उसके बाद नौवीं का पाठ्यक्रम जब उसके सामने आप रख दोगे तो वो पढ़ पाएगा? यही हो रहा है। अभी हम लोग जगत गुरुकुलम में बच्चे प्रविष्ट हुए हैं, उनको देख रहे हैं, कोई आठवीं पास करके आ गया है, कोई नवीं पास करके आ गया है, कोई छठवीं पास करके आ गया है, और जब हम कहते हैं कि ये अखबार है, बड़े सरल भाषा में कुछ समाचार लिखा हुआ है, इसको पढ़ दो, तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है। क्यों मुश्किल हो जा रहा है? क्योंकि अग्रसारण बिना पढ़े आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये जो करोड़ों ग्रंथ बने हैं, ये करोड़ों ग्रंथ इसलिए बन गए कि ना समझो को समझाने के चक्कर में बन गए, अन्यथा बात ज्यादा नहीं थी, बात तो थोड़ी सी ही थी। जिसको भगवान शंकराचार्य जी ने कहा श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में मैं बता देता हूं जिस बात को करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। अब सवाल यह है कि जगत को मिथ्या समझ पाना ही कठिन हो जाता है, कैसे समझे मिथ्या? सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, दीवाल से माथा टकराते हैं तो माथा फूट जाता है, कैसे हम समझ लें कि मिथ्या? यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। एक महात्मा जी ने उपदेश दिया कि भाई ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो चेलों ने सुना और सुनने वाले कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, एक ही बात को कई लोग कई तरह से समझ लेते हैं। ये मूर्खों की बात नहीं कर रहे हैं, ये विद्वानों की भी बात कर रहे हैं, इसीलिए जाने कितने संप्रदाय बन गए। उन संप्रदायों के जो संस्थापक हैं वो कोई मूर्ख नहीं है, कुछ ही संप्रदायों के संस्थापक मूर्ख हैं,
अधिकतर के तो विद्वान हैं, लेकिन विद्वान होने पर भी बुद्धि नए नए अर्थ ग्रहण कर लेती है एक ही वाक्य के। इसीलिए किसी की समझ में कुछ आता है, किसी की समझ में कुछ आता है, किसी की समझ में कुछ आता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बना दी तो लोगों ने कहा हमको ज्ञान दो, हमको उपदेश दो, हम क्या करें बताओ। तो देवता आ गए, दानव आ गए, मानव आ गए, सब लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की ब्रह्मा जी उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम दिए देते हैं। ब्रह्मा जी, सब लोग शांत हो जाओ, सुनो ध्यान से। तो सब लोग कान लगा लिए कि ब्रह्मा जी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देने वाले। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा सुनो द, सुन लिया? तो कुछ सुन चुके थे जो ध्यान लगाए हुए थे, कुछ इधर उधर ध्यान था। उन्होंने कहा नहीं नहीं सुन नहीं पाए, फिर से बताइए। कहा द। तो लोगों ने सोचा कि अभी एक अक्षर कहा है, इसके बाद और कुछ बताने वाले होंगे, लेकिन इतना कह करके ब्रह्मा जी ने कहा उपदेश हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं, वापस चले गए। अब लोगों ने कहा भाई ये का क्या कहा इन्होंने, एक अक्षर बोले द और कुछ बोले ही नहीं, अब हम क्या समझें क्या ना समझें, बड़ी मुश्किल हमारे सामने खड़ी हो गई। तो देवताओं की गोल अलग बन गई, दानवों की गोल अलग बन गई और मनुष्यों की गोल अलग बन गई। आपस में सब लोग विचार करने लगे कि आखिर कहा क्या ब्रह्मा जी ने, इनके कहने का मतलब क्या था। तो मनुष्यों ने समझा कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, द इन्होंने कहा, द का मतलब दान। इस हम लोग जो हैं संग्रही प्रवृत्ति के हैं, जो कुछ पाते हैं उसको घर में रखते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो भी जो कुछ खाता है उसमें से कुछ बचा लेता है, सब कुछ नहीं निकालता बाहर, संग्रह करता है। और हम भी संग्रही हैं। बच्चे, अगर बच्चे जो पढ़ने के लिए छात्रावास में रह रहे हैं उनका बैग चेक करो तो जो उनके काम की चीज नहीं है वो भी उनके बैग में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कहीं उन्होंने देखा अच्छी लग गई तो उसको भी रख लिया। ऐसे ही बड़ों का भी हाल, बड़ों के घर में दिवाली में होली में सफाई होती है, जाने कितनी चीजें निकलती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन घर भरा रहता है, लदा रहता है एकदम, ये भी ये भी ये भी सब रखते जाओ रखते जाओ, अलमारियां भरी हैं लोगों की, उनको खाली करने के लिए साल में एक दिन सोचना पड़ता है कि क्या खाली करें क्या ना खाली करें। फिर दो तरफ रखते हैं निकाल निकाल के कि ये वाला हटा देंगे ये वाला रखेंगे, फिर जो हटाए हैं उनमें से फिर दो चार चीजें वापस रख लेते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी थोड़ा दिन बाद। तो ये जो हमारी संग्रह की प्रवृत्ति है, लगता है ब्रह्मा जी ने इसी को जान लिया और जान करके हमको द का उपदेश किया, माने वो कहना चाहते हैं कि दान करो, संग्रह मत करो दान करो, क्योंकि संग्रह करना ठीक नहीं होता है। संग्रह करना इसलिए ठीक नहीं होता है कि भगवान ने सबको संसाधन बराबर दिए। ये देखो बात भी सही है कि संसार में जितनी सामग्री है उस पर किसका कितना अधिकार है। किसी के पास एक बीघा जमीन है और किसी के पास 100 बीघा जमीन है, तो क्या ये सही है? कहना होगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस पे सबका समान अधिकार होना चाहिए। कैसे समान अधिकार होगा? ऐसे समान अधिकार होगा कि एक पिता के चाहे कितने ही बेटे हो जाएं, 10 एकड़ जमीन अगर किसी पिता के पास है, उसका एक बेटा होगा तो 10 एकड़ खेती का मालिक होगा, 2 बेटे होंगे तो 5-5 एकड़ खेती के मालिक हो जाएंगे, अगर 10 बेटे हो गए तो सबको एक एक एकड़ जमीन मिलेगी। जितने बेटे होंगे पिता की संपत्ति पर उन सबका बराबर का अधिकार कानून से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से सम्मत है। तो ऐसी स्थिति में जब एक पिता की संपत्ति पर जितने बेटे हों, एक पढ़ा लिखा हो, एक गोरा नारा हो, एक काला कलूटा हो, एक लंगड़ा लूला हो, एक मूर्ख हो, एक शराबी हो, एक धर्मात्मा हो, इससे क्या जमीन के बंटवारे में अंतर आएगा?
इससे अंतर नहीं आता। जितनी पिता की संपत्ति है बेटा होने मात्र से उसमें बराबर का हकदार हर बेटा हो जाता है, यही कानून है और यही धर्मशास्त्र भी कहता है। मिताक्षरा और दाय भाग में भी यही बंटवारा किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये संसार जगत पिता का है, जगत पिता ने ये संसार बनाया, बना करके हम सबको पैदा किया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए तेहि महा अधिक मनुज मही भाए, भगवान ने सबको उत्पन्न किया। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभाजन हमारा है, वो विभाजन इसलिए नहीं है कि कोई और कारण हो, वो विभाजन केवल कार्य की दृष्टि से है। और अगर ये भी मान लें, वेद मंत्र मान लें, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु प्रदेश से वैश्य और चरणों से शूद्र हुआ, तो भी एक ही से तो हुआ, दूसरे से तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब भगवान की संतान हैं। जब हम सब भगवान की संतान हैं तो भगवान की संपत्ति पे हमारा बराबर का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बराबर का हक सबका होना चाहिए। लेकिन एक 100 एकड़ जमीन लेके बैठा है और एक के पास एक एकड़ भी नहीं है, ये स्थिति है कि नहीं है? तो ये कैसे हो गया? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान में विषमता है, कुछ लोगों को भगवान ज्यादा मानते हैं इसलिए उनको ज्यादा दे देते हैं, और कुछ लोगों को कम मानते हैं इसलिए उनको कम दे देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, भगवान ने सबको बराबर बराबर दिया है। ये हम हैं और आप हैं कि हमने किसी ने ज्यादा कब्जा कर लिया है और किसी ने कम कब्जा किया है, इतनी सी बात। जिसने ज्यादा कब्जा कर रखा है उसके पास ज्यादा आया कहां से? वो किसी दूसरे का भाग कब्जा करके बैठा हुआ है, इसीलिए वो सही व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम् हिदेहिनाम अधिकम् यो मन्येत सस्तेनः दण्डमर्हति। ये व्यास भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने से जिस व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो जाती, जितने में रहने का हो जाए, जितने में खाने का हो जाए, वही कहा ना कि मैं भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, इतना ही हमारा है, इतने से अधिक हमारा नहीं है। भगवान ने हमारे निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारा दिया है। अब हम दूसरे का हक मार करके ज्यादा लेकर के बैठ जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, अधिकम यो वमन्यता, ज्यादा जो संग्रह कर लेता है वो सस्ते ना, वो चोर है, दूसरे की चीज को उसने चुरा करके अपने पास रख लिया है। दंडम अर्हति, उसको दंड दिया जाना चाहिए। ये धर्मशास्त्र है, इस धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहते हैं कि धर्मशास्त्र में ऊंच नीच की बात है, धर्मशास्त्र में तो पंडितों के बारे में बात है केवल। अरे व्यास जी साक्षात कह रहे हैं, जमाखोरों के खिलाफ, पूंजी खोरों के खिलाफ साफ कह रहे हैं कि ये चोर हैं, दूसरों का हक दबा करके बैठे हैं, इनको दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा धर्मशास्त्र जो सबको बराबर का दर्जा देता है, वो दूसरा कोई हो नहीं सकता सनातन धर्म के धर्मशास्त्र के अतिरिक्त। ये सनातन धर्म का धर्मशास्त्र है जो सबको बराबर का हक देता है, और जो किसी का हक मारता है उसकी खुले आम आलोचना करता है। ये बताया गया है शास्त्रों में कि हमको ज्यादा का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितने में रहने का हो जाता है, एक व्यक्ति के लिए एक कमरा काफी होता है। अब कई कई लोग हैं इतना बड़ा मकान बना रखे हैं कि 100-100 कमरे हैं, रहने वाले 2 हैं। कई लोगों ने कई शहरों में अलग अलग फ्लैट बना करके रख लिए हैं, साल भर बंद ही रहते हैं, 3-4 दिन के लिए जाते हैं तभी खुलता। ये क्या है? किसी के पास मकान नहीं है, वो फुटपाथ पे सो रहा है,
और कोई 10-10 फ्लैट बना करके रखे हुए है ताला लगा कर, अन्याय नहीं तो और क्या है। तो शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति को 3 साल तक का अपना निभाव का खर्चा जोड़ना चाहिए, संग्रह करना है तो 3 साल तक हम खाते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, इतना अंदाजा लगा ले और उतना अपने लिए रख ले, और अगर उससे ज्यादा संग्रह हो गया है तो तत्काल उसका यज्ञ करके समाज में वितरण कर दे। ये नियम, इससे ज्यादा का संग्रह किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो मनुष्यों ने अनुमान लगाया कि ब्रह्मा जी हमारे संग्रह की प्रवृत्ति को देख करके ज्यादा से ज्यादा हमारे पास हो जाए, हमारे अंदर जो हवस है उस हवस को देख करके कह रहे हैं दा माने दान। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश एक ही दिया दा, और मनुष्य ने समझ लिया उसका अर्थ कि इसका अर्थ है दान, दान करो। तो मान लिया, कहा महाराज हम आपके उपदेश को समझ गए, अब हम जा रहे हैं, अब दान करेंगे। तब से हम लोग दान कर रहे हैं, हम में से बहुत से लोग अधिक संग्रह हो जाता है तो दान कर देते हैं, महात्माओं के पास अधिक हो जाता है तो भंडारा करा देते हैं, गृहस्थों के पास अधिक हो जाता है तो यज्ञ करा देते हैं, भागवत करा देते हैं, ये परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। उधर देवता उनका भी मंडल इकट्ठा था, उन्होंने कहा भाई ब्रह्मा जी ने द का उपदेश किया, एक ही अक्षर बोले, मतलब क्या है इसका। तो विचार किया, एक देवता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं जहां तक समझ पाता हूं आपको बताता हूं। कहा बोलिए। कहा लगता है कि ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं हम लोगों की भोग की प्रवृत्ति को देख कर, क्योंकि हम भोग प्रधान हैं, स्वर्ग जाते ही काहे को है आदमी, स्वर्ग की कामना ही क्यों करते हैं। मनुष्य थे हम, हमने स्वर्ग की कामना की कि स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा पीना, बहुत अच्छा राग रंग सब होगा। तो भोग हमको मिले, उत्तम भोग हम भोग सकें, इसके लिए हमने यज्ञ किया, यज्ञ करके हम देवता बने, अब देवता बन के हम भोग भोग रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गाना गा रहे हैं, सभा बैठी है, शरीर में रोग दोष होना नहीं है, भूख लग गई तो अमृत पी लिया, कुछ इच्छा हो गई तो कल्प वृक्ष नीचे खड़े होकर केवल इच्छा ही तो करना है, ऑर्डर भी नहीं देना है, ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर आने में देर लगती है, यहाँ तो उससे भी आगे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, बोलो जैसे ही इच्छा करोगे वैसे ही चू जाएगा आपका चाहा गया सामान। तो ये भोग हम जो भोग रहे हैं और इन्हीं भोगों में हम आसक्त हो गए हैं, भोगा शक्ति हमारी देख करके भगवान ब्रह्मा ने हमको द शब्द का उपदेश किया है, तो इसका मतलब है द माने दमन, दम माने अपनी इंद्रियों को काबू में रखो। तो ब्रह्मा जी ने द का उपदेश दे करके दम का उपदेश दिया है कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, इनको लगाम को काबू में रखो, भोग में ज्यादा आसक्त मत हो। सब लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात सही लगती है, ये कमी तो हम लोगों में हो रही थी, ब्रह्मा जी का उपदेश है, देखो कोशिश करें। वो लोग भी चले गए। अब अक्षर एक ही था उपदेश का द, मनुष्यों ने उसका अर्थ निकाल लिया दान, और देवताओं ने उसका अर्थ निकाल लिया दम। अब दैत्य दानव वो लोग भी खड़े थे, उनकी गोल अलग चली थी, उन्होंने आपस में विचार किया कि भाई द का अर्थ क्या हो सकता है, क्या उपदेश किया, तुमको समझे। उसने कहा तुम कुछ समझे। अब एक दूसरे को पूछ रहे थे कुछ समझे कुछ समझे, तब तक एक खड़ा हुआ, अब भाई सुनो हम बताते, हम लोगों में थोड़ा सा गुंडई है, हम लोग किसी के पास अच्छी चीज देख नहीं पाते हैं तो छीनने की कोशिश करते हैं, बार बार हम लोग देवताओं के यहाँ आक्रमण नहीं कर देते, इंद्र के आसन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो हम जो बल का पूर्व प्रयोग करते हैं और हमारे अंदर जो कोई दया नहीं है, तो हमको लगता है कि हमारे इसी स्वभाव को देख करके ब्रह्मा जी ने दा कहा माने दया करो, तुम लोग दया नहीं करते हो, दया करना चाहिए। सब कोई बात जच गई, कहा हाँ बिल्कुल सही कहते हो, ये दा ही, दा का मतलब दया ही।
अब लीजिए, अब कोई मनुष्यों में बुद्धिमान नहीं था, विद्वान नहीं था, थे ही, देवताओं में भी थे, दानवों में भी थे, अक्षर उपदेश एक हुआ और समझने वालों ने क्या समझ लिया, अलग अलग समझ लिया, किसी ने दान समझ लिया, किसी ने दया समझ लिया, किसी ने दम समझ लिया। तो ऐसे ही उपदेश करने वाला कुछ करता है और उपदेश सुनने वाला कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, ये नियम है। इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि कौन क्या समझता है। उपदेश देना खतरे से खाली नहीं है। आन्हर गुरु बहर है चेला, मांगे आम दिखावे ढेला। कहावत है माने अड़भंग, जो देहात के लोग हैं वो भी ज्ञान की बात अपने शब्दों में बढ़िया से कह देते हैं। कहते हैं गुरु जो है अंधा है, आन्हर गुरु, अब बधिर है चेला, चेला बहरा है। अब गुरु जी कहते हैं कि बेटा आम देना, अब वो देख तो रहे नहीं है, कह रहे हैं बेटा आम देना, तो चेला जो है ढेला उठा के कहता है जे चाहिए। अब गुरु को सोचना चाहिए कि हम बोल के उसको कह रहे हैं वो क्या सुनेगा, वो तो बहरा है, तो उनको बोल के बताना नहीं चाहिए, कुछ कोई और तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन वो बोल के उसको कह रहे हैं, बोल के कहेंगे तो क्या समझेगा, बहरा सुन ही नहीं पाएगा। तो गुरु भी लेकिन बोल रहे हैं, जान रहे हैं कि चेला बहरा है फिर भी बोल रहे हैं, और चेला वो भी जान रहा है कि गुरु जी अंधे हैं फिर भी उठा के ढेला दिखा रहा है कि जे चाहिए, यही मांग रहे हो ना, अब कैसे व्यवहार बनेगा। लेकिन ऐसे ही व्यवहार चल रहा है, गुरु जी कुछ कह रहे हैं, चेला जी कुछ समझ रहे हैं, हो कुछ रहा है। और कहते हैं साहब वो तो धर्मशास्त्र में गड़बड़ी है, वो तो ये पोंगा पंथी है, वो तो ये तो पुरातन पंथी है, इसमें क्या रखा है, हम आधुनिक हैं, हम ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, अरे हम विज्ञानवादी हैं। अरे ये विज्ञान तो यहीं से आया है, ये सृष्टि का विज्ञान है, और सृष्टि का विज्ञान क्या है, अभी हमने आपको बताना शुरू किया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना आरंभ की तो सबसे पहले उन्होंने अविद्या को बना दिया। अविद्या माने ब्रह्म, पहले इल्यूजन, जब जादूगर मंच पर खड़ा होकर के जादू दिखाने के लिए उद्यत होता है, जादू दिखाना शुरू करने वाला होता है, तो सबसे पहले करता क्या है, सबसे पहले वो देखने वालों की नजर बांध देता है, तो सबकी नजर बंद जाती है, और जैसे ही नजर बांधा वैसे दिखाना शुरू कर देता है, जो नहीं हो सकता वही दिखा देता है। अचानक जो है ताली बजाता है, ऐसे ऐसे हाथ करता है, और ऐसे करता है तो कबूतर निकल जाता है, उड़ने लगता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, आप सोच नहीं सकते कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ये सब करने के पहले करता क्या है, शुरुआत कहां से करता है, शुरुआत पहले आपकी नजर को बांध देता है। इसीलिए कई लोग जादू के खेल को नजरबंदी कहते हैं, ये तो अरे भाई नजरबंदी है और कुछ नहीं, आंखों को बांध दिया है। कुछ लोग हाथ की सफाई कहते हैं कि ये हाथ की सफाई है, इतनी सफाई से हाथ में चीजें करता है कि देखने वाला देख नहीं पाता, ऐसे हाथ करेगा ऐसे, तो जैसे ही हाथ ऊपर की तरफ झटकारा, गिली 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 गिली, तो जैसे गिली गिली किया वैसे सब लोग ऊपर देखने लगे, और जैसे सब ऊपर देखने लगे इधर उसने अपना काम कर लिया नीचे की तरफ, और फिर यूं जब लाया तो सबने इधर देखा, और तब तक वहां वो चीज हो चुकी थी। तो आपकी दृष्टि को कहीं और डाइवर्ट किया और फिर वापस लाया, तब तक इतनी देर में अपना काम कर लिया। पहले टेबल पे कुछ नहीं था, फिर गिली गिली ऊपर, तब तक ऊपर आप देखे तब तक लाके पैकेट लड्डू का रख दिया, और तब फिर इधर लाए तो देखा तो लड्डू, हाँ जादू हो गया, जादू हो गया, कहाँ से आ गया, अभी तो हमने देखा तो था नहीं। अरे तुमने देखा था, उसके बाद ऊपर भी तो देखने लगे थे, इतना ही समझने की बात। तो जैसे जादूगर जादू दिखाने के पहले आपकी नजर को बांध देता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के पहले क्या किया,
अविद्या का निर्माण कर दिया। अविद्या माने अतस्मिन् तद् बुद्धिः, जो चीज जैसी नहीं है उसमें वैसी बुद्धि करा देना, इसी का नाम है अविद्या। और जादूगर कहते हैं ना कि खबरदार मुट्ठी सब लोग बांध लो, जो मुट्ठी खोले रहेगा उसको हम बकरा बना देंगे। अब कई लोग डर जाते हैं कि कहीं हम बकरा ना बन जाएं। अगर कोई कमजोर दिमाग वाला रहे और उसको अगर जादूगर कह दे ले तू बकरा बन गया, तो कोई कमजोर दिल का आदमी कभी मान भी सकता है कि मैं बन गया, क्योंकि जादूगर में तो सामर्थ्य है। जादूगर के सामर्थ्य को अगर आप मान लोगे तो वो जो कहेगा वही आप मान लोगे कि हम तो बन गए, अब तो बकरा हो गए। और हो गए हैं कई लोग। होता क्या है, आपके जो संबंध संसार में जोड़े गए हैं वो कैसे जोड़े गए हैं, नातेदार रिश्तेदार कुछ बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए, कहा आज से तुम ये, आज से तुम ये, अब लो साहब जो उन्होंने कह दिया कि आज से तुम ये, अब जिंदगी भर हम वही बने हुए कि हम तो ये हैं। जन्म लिया बच्चे ने, फिर उनके माता पिता कान में बोल दिए बेटा तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा उपनयन संस्कार होगा। फिर दो चार बार टोक दिया, अरे ऐसा करते हो तुम तो ब्राह्मण हो। अब उस लड़के के मन में आ गई कि मैं तो ब्राह्मण, अब वो जिंदगी भर ब्राह्मण बन के घूम रहा है। उसी बच्चे को किसी ने कह दिया तुम क्षत्रिय हो, अब क्षत्रिय बन के घूम रहा है। कहते हैं कि एक बच्चा बचपन में ही जंगल से रास्ता तय कर रहे अपने माता पिता का के साथ बिछड़ गया और फिर वो मिला नहीं। माता पिता खोजते हुए दूसरी तरफ से इधर उधर चले गए और उसको स्यारों के झुंड ने पाल लिया। स्यारों के झुंड में चला गया, स्यारों ने उसको खाना दिया, खाया पिया, उन्हीं के साथ रहने लगा। जैसे वो चलते थे वैसे चलता था और जैसे वो हुआ हुआ बोलते थे वैसे हुआ हुआ बोलता था। जब एक बोलता था हुआ तो दूसरा भी हुआ हुआ हुआ, सारे स्यार बोलने लग जाते थे, उसी में वो भी बोलता था। अब एक दिन कोई आदमी शिकार करने के लिए गया था, उसने देखा कि एक मनुष्यों का बच्चा स्यारों के झुंड में घूम रहा, तो उसने जाल वगैरह डाला, किसी तरह से पकड़ लिया। अब पकड़ के उसको कहें कि तुम स्यार नहीं हो तो वो माने ही ना कि ना ना मैं तो स्यार हूं, उसी तरह से बोले उसी तरह से खाए। तो ये जो भ्रम आ जाता है व्यक्ति के अंदर, ये निकाले नहीं निकलता, इसी को कहते हैं उपाधि। अब किसी को डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, किसी को कोई उपाधि दी जाती है, पद्मश्री पद्म विभूषण ये सब उपाधियां दे दी जाती हैं सरकारों के द्वारा। ये सब क्या है, जिसको जो उपाधि दे दी अब वही बन के बैठे हैं कि हम तो पद्मश्री हैं साहब, अब हम तो ऐसे नहीं चल सकते, हम तो ये नहीं कर सकते हम बस। तो ये क्या है, जो आपको कह दिया उसी के अनुसार आप बन गए ना, आपने कहा अपना दिमाग लगाया। तो यही हो रहा है संसार में, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अविद्या उत्पन्न की, अविद्या उत्पन्न करके सबकी दृष्टि को बांध दिया। अब सब अज्ञान में पड़ गए, ब्रह्म में पड़ गए, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। जैसे ही वास्तविक स्वरूप को भूले वैसे जो जो दिखाना था दिखाने लग गए, नजर बंद गई। अविद्या या अविद्यत्वम इदमेव तु लक्षणम यत् प्रमाणा सहिष्यत्वम अन्यथा वस्तु सा भवेत्। शास्त्र कहता है कि अविद्या का जो अविद्यात्व है वो यही है कि वो प्रमाणा सहिष्णुत्व है। प्रमाण अगर उनको कोई बताए भी कि नहीं ये बात नहीं है तो भी वो सहते नहीं, वो प्रमाण को ही अस्वीकार कर देंगे कि नहीं नहीं ये बात नहीं है ऐसा ही है। सेयम भ्रांतिर निलारंभा सर्वन्याय विरोधिनी सहते न विचारम सा तमो यद्वत दिवाकरम। जैसे अंधेरा दिवाकर को नहीं सह पाता है उसी तरह से जिसको भ्रांति हो गई वो किसी प्रमाण को नहीं सह पाता, बस उसके तो दिमाग में जो बैठ गया बस वही रटता रहता है। एक बार दिमाग में ठीक से किसी ने अगर कोई बात बैठा दी तो बस वही वही बात रहती है, उसके बाद हजार प्रमाण ला के कोई सामने रख दे व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता, वो कहता ना
आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन ये बात तो ऐसी ही है। ये अविद्या है, ये हमारे मन में बैठ गई है। अव्यक्त महत अहंकार पंच तन्मात्रा, ये जो सृष्टि का क्रम है, ये सब अनात्मा है। इस अनात्मा में आत्मदृष्टि हमारी हो गई। जो अव्यक्त है, महत है, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब में हमारी आत्मबुद्धि हो गई। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, मेरे प्राण, मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरी मेरा शरीर, ये सब हम नहीं हैं, हमारे भी नहीं हैं, लेकिन इनमें हमारी बुद्धि हो गई। अब बुद्धि हो गई, अब उसी बुद्धि को लेकर के हम पूरा जीवन बिता रहे हैं। हमारे मन में हो गया कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य बन करके जीवन बिता रहे हैं। हमारे मन में हो गया कि हम तो भारतीय हैं, अब हम भारतीय बन के भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। अब जमीन के किसी टुकड़े पर थोड़े लिखा है कि ये भारत है, जमीन के टुकड़े पर कहीं नहीं लिखा कि ये भारत है, ये अमेरिका है। जमीन तो जमीन है, उसको हमने आपने नाम दे दिया है, और कभी कभी नाम बदल भी देते हैं। जो भारत था उसका कुछ भाग अब पाकिस्तान है, अब वो भारत नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? जमीन तो वही है, पहाड़ वही है, नदी वही है, लेकिन हमने नाम बदल दिया। अब नाम बदल जाने से वो काम भी बदल गया। थोड़े दिन पहले जब जगत गुरु जी महाराज का जन्मोत्सव होता था, तो छत्तीसगढ़ के नेता भी आते थे और मध्य प्रदेश के भी आते थे, और दोनों में कोई भेद नहीं होता था, क्योंकि सब मध्य प्रदेश था। और बाद में थोड़े दिन के बाद बंटवारा हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया। अब दोनों जगह के आते हैं, अपना अलग अलग बात करते हैं कि हम तो छत्तीसगढ़ के हैं, ये मध्य प्रदेश वाला कैसे आ गया। मध्य प्रदेश वाला कहता है ये छत्तीसगढ़ वाला कैसे आ गया। अब जो लोग मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे हैं पहले से, विभाजन के पहले से, उनको वहां दिक्कत हो रही है, अब उनको मध्य प्रदेश का माना जा रहा है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के जो लोग मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे थे पहले से, अब वो पराये हो चुके हैं, उनको छत्तीसगढ़िया माना जा रहा है। कैसे हो गया? जमीन तो वही है, बस किसी ने सत्याग्रह करा दिया, किसी ने कह दिया कि अब दोनों अलग हैं। अब हमारे दिमाग ने मान लिया कि दोनों अलग हैं, अब छत्तीसगढ़ पराया हो गया हमारे लिए, कभी हमारा ही अंग था। जो चीज कभी हमारी ही थी, हमारा ही अंग थी, आज वो पराई हो गई, क्योंकि किस बड़े बुजुर्गों ने खड़े होकर कह दिया कि अब आज से अलग हो गया। तो धरती नहीं बदल रही है, हम इसका नाम रूप बदल रहे हैं। कभी कुछ नाम रख देते हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं, और उसी के अनुसार का व्यवहार कर लेने लग जाते हैं। इसी का नाम है अविद्या, और यही सब क्लेशों की मूलभूता है। हमने कहा कि झगड़ा बचाना है, और झगड़ा बचाने के लिए दो टुकड़े कर देते हैं, एक का नाम पाकिस्तान हो जाएगा और एक का नाम पहले से जो है रहेगा। झगड़ा बचाने के लिए दो कर दिया, अब दो होकर के भी झगड़ा ही तो हो रहा है। वो परमाणु बम बना रहे हैं अलग, हम परमाणु बम अलग बना रहे हैं, तो झगड़ा बचा कहां? जिस झगड़े को बचाने के लिए भारत देश का विभाजन किया गया था, वो झगड़ा तो आज भी और ज्यादा खतरनाक रूप में बना हुआ है। घर का पड़ोसी अगर वो होता जो पाकिस्तान में है, तो शायद इतना खतरनाक ना होता जितना खतरनाक अब पाकिस्तान के रूप में हो गया है। कभी भी भारत के ऊपर परमाणु बम पटक सकता है, अगर पागलपन छा जाए तो क्या है। पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र हैं, अगर कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पागल हो गया, उसका मन हो गया, तो देर कितनी लगती है, आदेश दे देगा और बम पटक दिया जाएगा। लाखों लाख लोग एक ही क्षण में, जैसे बम गिरेगा वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये झगड़ा बचाने का तरीका है, इससे झगड़ा बचा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम झगड़ा बचाने के लिए जो काम करते हैं, तो अगर हमने किसी कारण से कोई काम किया, तो हमको देखना चाहिए ना कि वो जिस कारण से हमने किया था, वो परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देश 75 साल मना रहा है अपना अमृत महोत्सव,
75 साल पहले हमने कहा था कि झगड़ा बच जाएगा, इसलिए एक टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया जाए। झगड़ा तो बचा नहीं और बढ़ गया, तो हम अपनी भूल नहीं सुधार सकते कि भैया अलग इसीलिए किया था कि झगड़ा बच जाए। अगर झगड़ा होते ही रहना है तो फिर वापस करो, काहे का पाकिस्तान, फिर ये भारत होगा। लेकिन पुनर्विचार भी कोई नहीं कर रहा है अपने निर्णय पर, दुख की बात तो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि धरती वही है, केवल हमने इस पे बाउंड्री बना दी है। कभी कुछ नाम रख देते हैं, कभी कुछ नाम रख देते हैं, और उसी के आधार पर सारा व्यवहार करने लग जाते हैं। जो व्यवहार हम मन से मान लेते हैं वही होने लग जाता है। गणित के सवाल में जैसे कोई चीज मान लिया कि सोहन के पास 200 रुपए हैं, और फिर वो बाजार जाता है और ये खरीदता है इतने का, ये खरीदता है इतने का, तो बताओ कितने खर्च हो गए और कितने बच गए। अब लो साहब काय मान ले। अगर बच्चा खड़ा हो जाए कि आचार्य जी आप ये जो कह रहे हैं कि मान ले, ये हम काहे को मान ले। अगर उसी समय हम टकोर दे दें कि बताइए क्यों मान ले हम, तो अध्यापक क्या कहेगा? वो कुछ नहीं कह सकता, सारा गणित फेल है। ना एक रुपया खर्च होगा, ना एक रुपया बचेगा। ये जितना जमा खर्च हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में मान लिया था, मान लिया कि सोहन के पास 200 रुपया है। ये जो मान लिया हमने, इसीलिए 200 का खर्चा हो रहा है, उसमें से कुछ बच भी रहा है और कई दुकानों में अलग अलग जा रहा है, कई सामान उससे खरीदा जा रहा है। ये जो सामान खरीदा गया, ये जो दुकानों में पैसा दिया गया, ये जो बच गया, ये सब इतना सारा कैसे जाता है? क्योंकि हमने मान लिया। अगर ना माने तो ना तो किसी दुकान में पैसा जाएगा, ना तो कुछ सामान घर में आएगा, ना तो गुणा होगा, ना तो भाग होगा, ना तो कुछ शेष बचेगा, कुछ होगा ही नहीं। ये सब होता इसलिए है, कॉपी क्यों रखी जाती है? क्योंकि हमने मान लिया। ये जो मान लिया, माना कि मानो कि, यहीं से संसार शुरू होता, यही अविद्या है कि मान लिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अविद्या की रचना की, भ्रम में डाला। अब भ्रम में डाल करके अब जो कहेंगे वही होने लगेगा, अब कुछ दिक्कत नहीं, अब तो बहुत कुछ नियम बन जाएगा, अब तो उसमें जाने क्या क्या, जब 200 रुपया है तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है, उसमें व्यापार करके 2 करोड़ भी बनाया जा सकता है। जब 200 हो गए तो फिर 200 के बाद तो फिर कितने भी हो सकते हैं, दिवालिया भी हुआ जा सकता है, उससे रामपुरी चक्कू खरीद करके हत्या भी की जा सकती है, उससे लड्डू खरीद करके प्रसाद भी बांटे जा सकते हैं, उससे भगवान के लिए फूल पत्ती भी खरीदी जा सकती है। अब तो जो चाहो सो करो। क्यों करो? क्योंकि 200 आपके पास हो गए। वो कहां से हुए? वो कहीं से हुए नहीं, ना कहीं कोई रुपया था, ना किसी के पास हुआ, बस मान लिया। ये जो मान लिया, उसी से सारा व्यवहार जैसे गणित में शुरू होता है, वैसे ही अविद्या के कारण ये सारा संसार शुरू होता है। अब उन्होंने कहा कि ये मैंने बना दिया, अब सब बनने लगा, बन करके तैयार होने लगा। इसीलिए ये जो अविद्या है इसको समाप्त करना बहुत मुश्किल, बहुत माने जरूरी है। अविद्या समाप्त हो जाए, जो अविद्या हमारी उपाधि हो गई है जीव की, जिसके कारण हम परमात्मा थे लेकिन जीव हो गए। राजा का लड़का जैसे स्यार का बच्चा हो गया जंगल में भ्रम के कारण, अब उसको क्या करना है? उसको राजा थोड़े बनाना है, वो तो राजा ही है, केवल उसको एहसास करा देना है कि अरे तू श्रीगाल नहीं है, तू तो राजपुत्र है। तो जैसे उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं राजा का बेटा हूँ, वो तो राजा का बेटा है ही, उसी तरह से हमको आपको कुछ बनना नहीं है, हमको आपको जान लेना है कि मैं असल में कौन हूँ, मैं तो भ्रम में पड़ा हूँ, मैंने तो ये गजब की बात मान ली है कि मैं ये हूँ। असली अपने असली स्वरूप को पहचान लेने की आवश्यकता है, और अपना असली स्वरूप पहचान में तब आएगा जो ब्रह्मा जी के द्वारा सर्जी गई सबसे पहली चीज अविद्या नष्ट होगी। मान लो कि ये जो मान लो कि शब्द है, ये जब नष्ट होगा तो सारा उसके बाद का सब नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये संसार अविद्या से दिखाई दे रहा है, अविद्या समाप्त हो जाए तो सब सही हो जाए। अब अविद्या समाप्त करनी जरूरी है लेकिन होती नहीं,
अविद्या को समाप्त करने के लिए, क्योंकि अविद्या से ही दुख है हमको। जब हम संसारी हो गए, परिच्छिन्न हो गए, अपने आप को हमने शरीर मान लिया, मनुष्य मान लिया, तो तरह तरह के दुख आ गए। भूख प्यास का दुख हमारे पास अपने आप आ गया। शरीर जैसे ही हमने धारण किया, हमको भूख लगने लगी, हमको प्यास लगने लगी। दो तरंगे प्राण की, इसी तरह से हमको शोक मोह होने लगा, क्योंकि हमने संबंध जोड़ लिए लोगों से, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है। तो ये सब जो हमको दुख मिल रहे हैं, ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को कुछ मान लिया है, अपने सच्चे स्वरूप को भूल करके कुछ और मान लेने के कारण हमको दुख है। अब इस दुख को दूर करने का उपाय करना चाहिए, हम करते भी हैं। अब करते क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में दुख नहीं है, वहां ये बीमारी नहीं है, वहां ये भूख प्यास नहीं है, वहां ये शोक मोह नहीं है, वो सही जगह है। तो फिर उसके लिए सत्कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सब करके स्वर्ग में जाते हैं। सोचते हैं कि अब हमारे दुख का अंत हो गया, लेकिन दुख का अंत नहीं होता, क्योंकि वहां जाकर के जब खड़े होते हैं तो देखते हैं कि एक सभा लगी हुई है, बड़ी अच्छी सभा है। तो वहां पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि एक बीच में बहुत बड़ा सिंहासन है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, देवता। ये कौन है? तो बगल वाला बताता है कि अरे, देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। अच्छा, यहाँ भी राजा प्रजा है, ये तो हमारे मृत्यु लोक में भी था। जब हम साइकिल से जाते रहते थे तो मंत्री जी की कार साए साए करते आती थी और हमको गड्ढे में उतार देती थी, हमको साइकिल गड्ढे में उतार देना पड़ता था, इतनी तेजी से आती थी कि अगर जल्दी से ना उतार दें तो दब जाएं। ये राजा प्रजा का खेल तो हमारे यहाँ भी था साहब, यहाँ स्वर्ग में भी है क्या? अरे देखते जाओ, अभी आएगा। कहा अच्छा, तो कहा भाई ठीक है, हमको भी आसन मिले। कहा ये आसन सबको नहीं मिलता, ये केवल इंद्र को बीच का, चंद्र, वरुण, कुबेर, आदित्य, ये जो बड़े बड़े देवता हैं, इन देवताओं के लिए आसन है, तुम खड़े रहो। अप्सराएं नाचेंगी, उसको देख सकते हो लेकिन खड़े होकर। अब खड़े होके देख रहे हैं तब तक कोई धक्का दे रहा है, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, खड़े खड़े तक भी जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी ये बात कि कोई सिंहासन पे बैठा है और कोई खड़ा है, खड़े होने वाले को कहाँ तक आनंद आएगा? उसके मन में बात तो आई जाती है कि भाई कहीं ना कहीं मैं ऐठा हूँ, मैं छोटा हूँ। तो जैसे ही ये बात मन में आई कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो छोटा हूँ, वैसे ही मन विषाद से, दुख से भर जाता है। तो फिर जो सुख भोगने के लिए स्वर्ग में गए थे वो तो खत्म हो गए। और फिर सबसे बड़ी बात, स्वर्ग में तभी तक व्यक्ति रह सकता है जब तक उसके पास पुण्य का भंडार हो। जैसे होटल में आप तभी तक रह सकते हैं जब तक आपके जेब में पैसा हो। पैसा खत्म हुआ, जब पैसा था तो दरबान जो है, हुजूर हुजूर आइए, महाराजा खड़ा है ऐसे करके सिर झुका, गेट खोलने वाला खड़ा है, आइए। पैसा जब तक है तब तक, और जैसे ही पैसा खत्म हुआ, वही जो सैल्यूट बजाता था दरवाजा, वही आपका सामान फेंकता है, धक्का मारता है कि निकल। तो होटल की जो रीत है कि जब तक पैसा है तब तक मजा लो, वैसे ही स्वर्ग का है, जब तक पुण्य है तब तक रहो। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होगा, आपको स्वर्ग के अभिमानी देवता आकर के बताएंगे, ए भाई तुम्हारे पुण्य समाप्त हो गए, अब तुम भागो यहाँ से। अरे नहीं, हम स्वर्ग से कैसे जाएंगे? तो एक लात लगाते हैं और गिरा देते हैं, धक्का मार के गिरा देते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। फिर हमको वहां से गिरना पड़ता है, और गिर करके तब यहाँ आना पड़ता है। तो धक्का मार करके गिराया जाने वाला सुखी महसूस करेगा अपने आप को, या जिसको इस बात का पता होगा कि एक दिन धक्का मार के हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, वो जब तक स्वर्ग में रहेगा तब तक क्या सुख पाएगा? तो ऐसी स्थिति में स्वर्ग में भी सुख नहीं है। अब हम दुख से बचने और सुख को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अविद्या के कारण हमको दुख हो रहा था,
लेकिन स्वर्ग में भी दुख नहीं मिला। ऐसे ही संसार में, अब जब संसार में आए तो अब वहां भी दुख ही दुख। सबसे पहले माता के पेट में चले गए। व्यास जी ने बताया, स्थानाद बीजाद उपस्तंभात निश्चिंदात निगनाद भी कायमाधेय शौचत्वात पंडिता ह्य शुचिम विदुः। जो पंडित हैं वो इन इन स्थानों में अशुद्धि मानते हैं। किन किन स्थानों में? का स्थानात, स्थान से अशुद्धि होती है। पेट में गए, माता के पेट में तो मलमूत्र भी है और उसी में हम भी पड़े। बीजात, जो शुक्र शोणित है माता पिता का, वो भी तो मैल ही है, वो भी अशुद्ध है। उपस्तंभात माने जो हमने, जो माता पिता ने खाया पिया, उससे जो कफ आदि बनता है, मज्जा मांस मेद, ये सब भी क्या है? ये भी तो अशुद्ध वस्तु ही है, मैल ही है। निश्चंदात, निश्चंद माने जो शरीर है, उस शरीर के जितने छेद हैं उन सबसे मैल निकलता है। जो मुख्य छिद्र हैं उनसे तो मैल निकलता दिखता ही है, जो छोटे छोटे छेद हैं उनसे भी, रोए रोए जहां से निकले हैं वहां भी छेद हैं, उनसे भी पसीना निकलता है, वो पसीना भी दुर्गंध वाला है। इसी तरह आंख में से कीचड़ निकलता है, कान में से खूंट निकलता है, जहां देखो वहीं से मैल ही मैल तो निकलता है। ये निश्चंद है, ये भी अशुचि होता है। और निधनात, निधन हो जाए माने मृत्यु हो जाए तो शरीर को अमंगल माना जाता है। कोई शव को छू ले तो भी उसको स्नान करने के लिए कहते हैं कि भैया आपने शव का स्पर्श किया है, नहा के। कोई अगर अंतिम यात्रा में जाता है तो लौटते ही दरवाजे पे माता घड़ा लेके खड़ी रहती है, पहले उसके ऊपर घड़ा का पानी डालती है, फिर कहती है अब अंदर आओ। तो ये अशुद्ध स्थान। तो आप स्वर्ग से गिरे और ये सब शुरू हो गया। तो आप जब इतनी अशुद्धि में रहेंगे तो क्या आप जो है आनंदित होंगे? आनंद आ ही नहीं सकता। तो इसमें भी कोई आनंद नहीं आया, तब क्या करते हैं आप? तब आधेय शौच का प्रयोग करते हैं। शास्त्रीय शब्द है आधेय शौच, माने नहा करके, धो करके, पोछ करके, छिड़काव करके, सुगंध तेल आदि लगा करके आप अपनी गंदगी को छिपाते हैं, उससे थोड़ा बचते हैं। तो आधेय शौच, स्नान और अनुलेपन आदि से जो शुचित्व का आपादन किया जाता है, उसमें कितना देर आनंद आएगा? आपने नहा लिया, थोड़ी देर तक शरीर ठीक रहा, उसके बाद फिर यहाँ का था। अब कहते हैं कि हम डिओड्रेंट लगा लें, अरे कितनी देर तक उसकी गंध रहेगी? और उसके लगाने से त्वचा पर जो असर आएगा वो अलग, ये तो हमारे डॉक्टर नितिन शर्मा ही बता सकते हैं। तो बच नहीं सकते आप, आपको आनंद आ नहीं सकता। एक सुख आपको मिलता है, अभी उस सुख का आप उपभोग करना शुरू करते हैं तब तक दूसरा दुख आ जाता है, एक के बाद एक लगा ही रहता है। तो ये सब क्यों लगा है? वही अविद्या। अविद्या के वशीभूत होने के कारण ये दुख लगे हुए हैं। ये दुख तभी दूर हो सकते हैं जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए। तो अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? कोई कहे कि कोयले, कोयला काला है, उसको, उसके कालेपन को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसका कालापन कैसे दूर होगा? कोई कहे भाई अच्छा वाला साबुन ले आओ, साबुन पानी लेकर के अपने लोग साबुन लगा के धोएंगे, उससे कोयले का कालापन दूर हो जाएगा। बहुत से लोग जिनका कालापन है वो लोग साबुन अच्छा अच्छा लगा ले रहे हैं, और कोई क्रीम भी आती है उसको लगा लेते हैं तो गोरे हो जाते हैं काले लोग। का साबुन लगा के कोयले को धो और उसमें क्रीम लगा दो तो हो जाएगा, लेकिन क्या उससे हो जाता? कोयले का कालापन आप नौ मन पानी लगाओ, जाने कितना साबुन लगाओ, कितनी क्रीम लगाओ, कालापन दूर नहीं होगा। कोयले का कालापन तो तब दूर होगा जब उसको अंगारे से छुआ दो। थोड़ी देर तक अंगारे से अगर छुआ रहेगा तो कोयले का काला रंग बदल करके सिंदूरी आभा वाला हो जाएगा। तो सब चीज का तरीका होता है, मनमाने ढंग से कोई चीज नहीं हो सकती है। इसीलिए
ये जो दुख आपको शोक हो रहा है अविद्या के कारण हो रहा है, उस अविद्या को कर्म के द्वारा आप दूर नहीं कर सकते, अविद्या को दूर विद्या के द्वारा किया जा सकता है। सूर्य भगवान को आज के आ जाने के बाद जैसे अंधकार नहीं शेष रहता है, वैसे विद्या के आ जाने से अविद्या दूर हो जाती है, और अविद्या के दूर होते ही सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दुखों से बचना चाहते हो तो कर्म में मत जाओ, ज्ञान में जाओ, ज्ञान से ही तुम्हारी मुक्ति है। रिते ज्ञानान न मुक्ति।